नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टी बैगर शेयर के बारे में जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। अगर इस कंपनी के 52 वीक लो और 52 वीक हाई को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे इस कंपनी का जो 52 वीक लो था वो 59 रुपीज़ 10 पैसे का था, जबकि अगर इस कंपनी के 52 वीक हाई की बात करें तो 101 रुपये का डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जहाँ से यह कंपनी गिरते हुए क्लोज हुआ है आज के डेट में आप देखेंगे 77 रुपीज़ 10 पैसे पे। तो क्या ऐसे में इस कंपनी को बाई करना चाहिए? कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करता है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले अगर इस कंपनी के नाम की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड। अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी जो काम करता है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम कर रहा है। और जिस हिसाब से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आने वाले अगर फ्यूचर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा खासा मौका है इस कंपनी को अभी बाई करने का, क्योंकि यह कंपनी आप देखेंगे अपने 52 वीक लो के पास में ही चल रहा है, वहाँ से अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं भाग पाया है। तो काफ़ी अच्छा खासा मौका है इस कंपनी को बाई करने का। देखते हैं कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो आप देखेंगे अभी फिलहाल यह कंपनी एक रेंज में ही चल रहा है। डाउन साइड में जाता है तो यह कंपनी अपना सपोर्ट लेता है 70 रुपये के पास में। वहीं अगर अप साइड की बात करें तो 90 रुपये के पास का डिटेल यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी जैसे इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर निकलता है तो इस कंपनी में एक बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा और यह कंपनी उसके बाद एक बड़े टारगेट को भी टच करेगा। देखते हैं इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में डिटेल की। दोस्तों अगर इस कंपनी के हम स्टॉप लॉस की बात करें, जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रखा है तो वो चाहे तो 72 या फिर 70 के पास में अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे जाता है तो आप चाहे तो इस कंपनी को बेच के भी निकल सकते हैं। इस कंपनी का जो पहला टारगेट होगा, अगर यह कंपनी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो 90 रुपये का पहला टारगेट होगा। कंपनी इसके ऊपर निकलता है तो इस कंपनी का एक और रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा जो कि 100 रुपीज़ के पास का बनता है। कंपनी जैसे इसको ब्रेक करता है उसके बाद इस कंपनी में एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यह कंपनी एक बड़े टारगेट को भी टच करेगा। कंपनी के फ्यूचर की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, क्योंकि यह कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम कर रहा है तो इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो आप चाहें तो इस कंपनी को करेंट प्राइस पर भी बाई करके चल सकते हैं। अगर इस कंपनी के टेक्निकल व्यू की बात करें तो अभी थोड़ा सा आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इस कंपनी में सेलिंग प्रेशर चल रहा है। तो कंपनी पहले संभल जाए, उसके बाद इसमें आप फ्रेश एंट्री करने की सोच सकते हैं। जैसे यह कंपनी 50 का RSI लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलता है उसके बाद आप चाहें तो इस कंपनी को बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।